देश में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 लाख के करीब पहुंच गई है, जबकि कोविड 19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 12,948 हो गई है। कोरोना के संक्रमण से अब तक 2,13,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए। बात इन सभी के बीच में अगर हम महाराष्ट्र की करें तो यहाँ पर कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज अभी तक सामने आए हैं। लगातार देश में भी कोरोना का संकट गहराता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा मामले सामने आए, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 9,120 वो संख्या रही जो कि कोरोना के संक्रमण से रिकवर भी हुई। संकट की घड़ी है यकीनन, लेकिन साहस और दृढ़ निश्चय पूरा है। रिकवरी की जो दर है उसने भी अपनी गति को पकड़ा है, और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारी सहयोगी प्रीत किरण दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। प्रीत, लगातार जो कोरोना का संकट है वो बढ़ता जा रहा है देश के ऊपर भी, पिछले 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। प्रीत जी, बिल्कुल जी, लगभग 375 लोगों की डेथ हो चुकी है 24 घंटे में, ये बड़ा आंकड़ा है। 12,000 से ज्यादा, लगभग 13,000 लोग अब तक कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए गरीब कल्याण योजना अभियान की लॉन्चिंग में ये कहा कि 6 लाख से ज्यादा गांव है देश भर में, 2/3 से ज्यादा ऐसी आबादी है जो अब तक कोरोना से बची हुई है, ये एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से देश बचा हुआ है, ये कहीं ना कहीं अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, रूस तक की आबादी को मिला दिया जाए उससे ज्यादा है। ऐसे में जिस तरीके के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल है, लेकिन बावजूद इसके हमको सतर्कता बरतनी है और अब इसके साथ जीने की जो आदत है वो डालनी होगी। प्रीत, कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में गरीब तबके को और किसान लोगों को टारगेट किया, साफ तौर पर कहा कि जिस प्रकार से देश ने कोरोना के संकट से उबरने में प्रयास किया है, किसानों का और गरीब लोगों का काफी ज्यादा बड़ा सहयोग है। इसके अलावा क्या वो योजनाएं रही जो कि इस तबके के लिए महत्वपूर्ण रहेगी? देखिए, जो प्रवासी मजदूर हैं जो अपने अपने स्टेट में लौट कर गए हैं, दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में काम करते थे, वहां जाकर के उनको कर्ज ना लेना पड़े, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये कहा गया कि वो भूखे ना रहें, उनको रोजगार के बिना तरसना ना पड़े, किसी से और से आगे जो है भीख ना मांगनी पड़े। तो ऐसे में उनको खुद का रोजगार देने के लिए इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई। 6 राज्यों के मुख्यमंत्री जुड़े हुए थे, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे, खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हुए थे। तमाम प्रवासी जो कि किसी तरीके से किसी स्किल को जानते हैं अगर, तो उनको भी इसमें रोजगार मिलेगा, साथ में अन्य जो ज्यादा स्किल नहीं है उनको भी रोजगार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक अहम बात है कि जो गरीब लोग जो अपने स्टेट में पहुंचे हैं वो कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे इस पूरे योजना से, और अपने स्टेट में बैठकर उनको रोजगार मिलेगा। तो आने वाले दिनों में अगर कोरोना काफी लंबे समय चलता है, लॉकडाउन जैसी स्थिति दोबारा लगती है, तो ऐसे में लोगों को परेशानी नहीं होगी। जो गरीब तबका है जो अपने गाँव में पहुंचा है उनके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद। जी जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया प्रीत। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।